एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, दिवाली के त्यौहार को आप अच्छे से सेलिब्रेट करें और फिर से एनर्जेटिक होके घर वालों से मिलके एक नई ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को संचित करके वापस से आप अपनी पढ़ाई में लगेंगे और मैं मानता हूं कि आप पुनः एक नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्टिंग दोगे। तो बच्चों, दिवाली के बाद लगभग सारे फॉर्म आना शुरू हो जाते हैं और एनटीए जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, आईसीआर हुआ आपका, जेट हुआ, ये सारे एग्जाम्स आपके फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। सीयूईटी जो एग्जाम है उसके भी फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। तो जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसके लिए अब आप एनर्जेटिक होके आए हैं। तो दोबारा से अपने आप को एक अच्छे प्लान में, अच्छे प्लान के साथ जोड़ लें और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वापस से तैयारी शुरू कर दें। बेटा, आपको पता है कि जो एग्ज़ाम होता है उसे फाइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लगाएंगे। देखो, पढ़ने वाले बच्चे तो क्या होता है कि 3 घंटे की स्टडी में भी अपने मतलब सिलेबस को इस तरह से समेट लेते हैं कि वो 3 घंटे की पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी 18 घंटे की स्टडी का दावा करते हैं कि 18 घंटे हम पढ़ते हैं लेकिन हमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है जैसा कि मिलना चाहिए। तो वो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है एक अच्छी रणनीति आपके पास नहीं होना। अगर आप रणनीति के तहत प्लानिंग करके सिलेबस को देखते हुए, अगर क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम पूछता है उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, तो मैं मानता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि आपके पर डे अगर 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो सफिशियंट होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन में नहीं है, दिशाहीन पढ़ाई कर रहे हैं, जो हाथ में बुक लगी उसी को पढ़ने लग जाते हैं, तो आपकी 18 घंटे की पढ़ाई भी बेकार साबित हो जाती है। तो बच्चों, मैं दिवाली पे तो आप बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट करो। अगर मेरा ये मैसेज जिस बच्चे ने अभी दिवाली के टाइम पे देखा है तो मैं उनको ये कहूँगा कि पहले तो आप बिल्कुल दिमाग से कन्फ्यूजन निकालते हुए अच्छे से सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं कि पढ़ाई भी, कई बैग भर भर के घर पे चले गए हैं कि हम तो पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, मैं ये कहूँगा कि आप दिवाली के त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें, किताबों से बिल्कुल दूर रहे, और उससे क्या है, आपको एक एनर्जी मिलेगी जो आपको, और बस दिमाग में ये रखे कि अब मुझे लग जाना ही है। तो कब कन्फ्यूजन में रहोगे तो ना तो सेलिब्रेट कर पाओगे, ना पढ़ ही पाओगे। तो बिल्कुल जो काम करना है पूरे मन से करें। आप अभी घर पे जाके अपनी एनर्जी को स्टोर करें और घर पे बिल्कुल बुक्स वगैरह नहीं देखें और पूरी एनर्जी को स्टोर करके फिर रिटर्न हो जाएं, और उसके बाद अपने पढ़ाई में फिर से प्लानिंग के तहत लग जाना ही है, ठीक है? तो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि बेटा, अगर प्लानिंग के साथ आप कोई काम करते हो, प्लानिंग उसमें बहुत अच्छी होती है, तो आपकी 3 से 4 घंटे की स्टडी भी सफिशियंट होती है। अदरवाइज अगर आपके पास डायरेक्शनल नहीं हो, आप मन चाहे ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, तो आपका 18 घंटे पढ़ना भी बेकार साबित हो जाता है। अब ये प्लानिंग क्या होती है ये आप जानना चाहोगे, तो इसके लिए ये होता है कि आपको एग्जाम जो पहले किस तरह के एग्जाम लिए हुए हैं वो आपको एक्सपीरियंस बना, मतलब एक्सपीरियंस मिलता है उनसे आप अनुभवी हो जाते हो, और फिर किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे मेरी स्टडी को कहाँ तक रखना है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो 3 से 4 घंटे की भी स्टडी आपके लिए सफिशियंट होती है। तो मैं फिर से एक बार आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे को जानते भी हैं, जो पता है उनको कि मैं किस तरह के मैसेज देता हूं बच्चों को, तो आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आगे की तैयारी के लिए। थैंक यू।